this video is sponsored by wecard हिलेश प्रताप सिंह भाई इतिहास तो आपका भी यही है सबसे पहली सरकार आपने 1959 1959 में गिरा दी तीन चौथाई बहुमत की सरकारें गिरा दी तो राज्यपाल का खेल तो आपके यहां भी चलता रहा अच्छा हो गया पहले मैं वाजपेयी जी से के जवाब से मैं शुरू करता हूं आवाज इको कर रही है जरा बता दें हाँ मैं दुरुस्त कर देखिये वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणियों का कोई मायने नहीं होता है देखिए जो सरमाएार लोग होते हैं इतनी उच्च अदालत की टिप्पणियों का असर उन पे ही होता है क्योंकि जब ये संविधान बना था तो बाबा साहब ने भी और नेहरू जी ने भी कई अपने भाषणों में कहा था कि ये संविधान किस कितना अच्छा या बुरा काम करेगा ये जिनके हाथों में उस समय होगा वो लोग किस तरह से निर्णय ले रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा तो आज आप देख रही हैं कि किस प्रकार से अगर आप विपक्ष की सरकारें हैं तो वहां पे आपकी हर, हरकतें क्या हैं और देखिए ये संघ के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वोटर हीटर्स के संग वी गार्ड कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए जिस विचारधारा से बीजेपी आती है उसकी बड़ा स्पष्ट है आज की जो बीजेपी है नागपुर घर आने वाली कि अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे चाहे आप जो हो सरकार हो व्यक्ति हो इंस्टीट्यूशन हो छात्र हो नौजवान हो महिला हो विपक्ष हो जो भी हो हम आपको सुकून चैन से नहीं रहने देंगे तो वो उसका अनुसरण कर रहे हैं और एकात्मवाद पे एक व्यक्ति पे आधारित केंद्रित पूरा ये वर्तमान सरकार चल रही है इन्हें सब कुछ चाहिए अच्छा उन्नीस में अखिलेश प्रताप मतलब सिंह बीजेपी आज की बीजेपी का चरित्र चित्रण कर रहे हैं आप उन्नीस में आप क्या कर रहे थे इंदिरा गांधी की सरकार थी और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के एनटी टी रामाराव मुख्यमंत्री थे तीन चौथाई बहुमत था सरकार गिरा दिया आपने केरल की पहली सरकार उन्नीस में आपने गिराई नंबू की क्या तकलीफ थी आपको तो तो संविधान जी जी केरल में तीन तीन साल से या कई राज्यों में राज्यपाल बिल रोके बैठे हैं और अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि वहां की सरकारें किस प्रकार से असंवैधानिक कृत कर रही हैं और गवर्नर के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं और रिकमेंड कर दें सरकार उनकी बर्खास्त कर दे केंद्र वो व्यवस्था है कर देनी चाहिए क्यों नहीं कर दे रहे हैं सिर्फ चोरी छोट पे तंग करेंगे आप आप में साहस हो तो कर दीजिए बर्खास्त अगर इतनीपाल अच्छा, अगर बिल दबा के बैठे हैं तो चूंकि आपकी सरकार जवाब देता जवाब दे रहा हूं मैं मैं जवाब दे रहा हूं मैंने पिछले बार भी आपको जवाब दिया था देखिए मैंने पहले भी कहा था कमियां थी गलतियां थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम इंस्ट्रक्शन आए लेकिन इसके बावजूद भी वो एक संवैधानिक व्यवस्था थी फिर भी कांग्रेस ने खेद व्यक्त किया अफसोस जाहिर किया है और आज की तारीख में जब उन सारे चीजों पे एक स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और गाइडलाइन है तो फिर उसके बावजूद इस तरह की हरकत करना नहीं लेकिन जब सत्ता तो में थे तो आपको बताया कि ये बीजेपी का चरित्र है अखिलेश जी तो जब सत्ता में थे तो, तो आप भी यही कर रहे थे इतिहास आपका भी यही है आप भी आग से खेल रहे थे अब अगर वो बीजेपी वाले आग से खेल रहे हैं तो आपको तकलीफ तो है वही तक कह रहे हैं तो फिर आप बहस क्यों कर रही हैं? बीजेपी की तारीफ करिए बीजेपी की तारीफ कर दीजिए नहीं आपको बहस... भी तारीफ कर देनी चाहिए भाई वो भी आपकी आप दो आग बराबर हो गई है देखिए दोनों बात है प्लीज मेरे लिए बीजेपी और कांग्रेस एक बराबर है अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो मैं सवाल पूछूंगी नहीं तो वही तो वही तो तो वही मैं कह रहा हूं ना वही मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने किसी को आप गलत समझती हैं, तो क्या आज वो राइट किसी को फिर है क्या कि वो भी वही करे मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूं कि गलतियां चूक हुई हैं, हुई होंगी हमने एक्सेप्ट भी किए हैं हमने लेकिन आप क्या ये कह रही हैं कि अगर कांग्रेस ने किया तो बीजेपी होना तुमको भी अधिकार है या पिछली सरकारों ने किया तो आज तुझको भी अधिकार है इन ने लोगों नहीं नहीं सुना फिर फिर आपने ने मैंने महेश वर्मा से जो पूछा था रात को तीन बजे रात मैंने अरे सुन तो लीजिए प्लीज बोलने दीजिए राज्यपाल तीन बजे रात को चुपके चुपके ओत कर आते हैं चुनी हुई सरकारों को विधायक अब लेके भाग जाते हैं फिर आके कहते हैं एंटी डिफेक्शन के, के खिलाफ भी कोई जो कानून है उसको भी पालन नहीं करते हैं और इस्तीफा दिला के इस तरह से जो आप अपने सत्ता का राजभवन का पैसे का ई डी का इस तरह का दुरुपयोग करके आप जनादेश को हाईजैक करते हैं और अपनी इस तरह से सरकार बना लेते हैं ये क्या एक किसी संवैधानिक प्रमुख जो संविधान के शीर्ष पदों पर बैठे हैं उनके लिए स्वाभावान है लेकिन वहाँ मर्यादा से कोई मतलब नहीं है आप इनसे किसी मर्यादा की अपेक्षा मत करिए इन्हें ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं सिर्फ सत्ता के भक्त मैं बार बार कहता हूँ न ये राम भक्त हैं न ये देश भक्त हैं न जनता के भक्त हैं न गंगा भक्त हैं न गौ भक्त हैं कहीं भी देख लीजिए तो जहाँ मिलेगा वहाँ कहीं हो रही है ये सिर्फ है आपने उन्नीस में क्या किया रोमेश भंडारी ने एक दिन का राज्यपाल एक दिन का मुख्यमंत्री बनवा दिया जगदम्बिका पाल को कल्याण सिंह को बर्खास्त कर दिया कोर्ट को कहना पड़ा असंवैधानिक था और ये तक कहना पड़ा कि जगदम्बिका पाल को कहीं किसी नोटिफिकेशन में पूर्व मुख्यमंत्री ना लिखा जाए बूटा सिंह ने क्या किया बिहार में 2005 में नीतीश सरकार बनने वाली थी और नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया देखिए तो ये लंबी है फिर अखिलेश प्रताप सिंह आपको।, आपको इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि जब आप सत्ता में थोड़ी थे जान... आपने भी खूब खेला जानकारी मैं जी जी मैं आपको थो� थोड़ा 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 मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर दू जगदम्बिका पाल के समय बहुमत के संख्या बल की चिट्ठी दी गई थी राज्यपाल को ठीक है और का पाल की बात मत करिए नहीं का पाल पहले, पहले करिए मायावती जी जब बनी रातों रात नहीं सुन तो ले अरे सुन तो अदालत ने आदेश दिया आपको अखिलेश जी आपको ज्ञान बढ़ा रहा हूँ मैं कि बहु... नहीं सुन अरे सुन तो लीजिए अरे सुन तो लीजिए वही तो मैं कर रहा हूँ अदारत से अरे मैं जान रहा हूँ आप तीन बार बोल चुकी मैं उसका भी जवाब अभी दे रहा हूँ ठीक है रातों रात एक जज ने बिना सुने फैसला दिया एक जज ने दूसरे दिन दिया मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए नहीं कहा गया नहीं उसका असर आया और इसी तरह से जब मुलायम सिंह जी की सरकार को हटा करके संख्या बल जब मायावती जी के साथ आया और यही बीजेपी ने जब दिया तो राज्यपाल ने

कोर्ट ने कहा लेकिन फिर भी कल्याण सिंह को बहुमत साबित करना होगा कल्याण सिंह ने बहुमत साबित किया वापस मुख्यमंत्री बने और जगदम्बिका पाल को लेकर जो कि आपके नेता थे रोमेश भंडारी आपके नेता थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं किसी नोटिफिकेशन में पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिखा जाएगा यह है इतिहास अखिलेश प्रताप सिंह लेकिन ठीक है मैं लौटूंगी नहीं मुझे अंजलि राय को भी लेना है थोड़ा सा थोड़ा सा करेट नहीं नहीं सुनिए 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 10 10 सेकेंड थोड़ा सा करेट कर दू सुन सुन लीजिए सुन लीजिए कर दू जब सब जब मेजॉरिटी प्रूफ करने की बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने टू कंटेंटर तू दावे दोनों दावेदारों को बाकायदा सदन में कहा था ये दोनों दावेदार बैठेंगे और इनके बीच में बहुमत जिसका होगा वो बनेगा तो कल्याण सिंह ने बहुमत साबित किया यानी कि पाल को मुख्यमंत्री बनाया जाना रोहेश भंडारी का संवैधानिक फैसला था लेकिन सुप्रीम नहीं ठीक है ठीक है अंजलि राय को अंजलि जी अरे प्लीज सुन तो हाउस का हाउस का फैसला मान होता है लेकिन कंटेंडर दोनों को माना था क्या बात कर रहे हैं अखिलेश जी आप ठीक है असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक फैसला था रोमेश भंडारी का लेकिन लेटमी प्रोसीड अंजलि जी दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वी कार्ड